सोशल स्टडी का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें 25 जो मार्क्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 75 सब्जेक्टिव पेपर के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो MCQs हैं ये 15 मार्क्स के हैं, या जिस तरह आपके सामने गुजरा है ये 15 मार्क्स का जो MCQs हैं ये गुजरे हैं। इसके बाद जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये 5 मार्क्स की होती है और ट्रू फॉल्स हैं ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन दिए होते हैं शॉर्ट, जिसमें से हमने 12 करने होते हैं। तो एक शॉर्ट जो होता है ना ये 3 मार्क्स का होता है। तो ये हमने खुद देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें मुश्किल महसूस हो वो चैप्टर हम एंड पे याद करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। इसी तरह जब हमारे पास इसका सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो 5 में से हमने कोई से भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें जो मुश्किल चैप्टर हो वो हम एंड पे करें, पहले हम इजी वाले चैप्टर याद करें।